योगा में आ तेरी नाटकी नाटकी। अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि तुम्हें अचानक से क्यों बुलाया है। मुझे पता है, मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया होगा। अच्छे काम के लिए तो आपने आज तक नहीं बुलाया। देखा तुमने, कितना अकलमंद हो गया हमारा बेटा। बहुत शुक्रिया। बकवास बंद करो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी शादी के फैसले भी खुद करोगे। हमने आज तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी खुद की जिंदगी खराब है और तुम किसी की बेटी की जिंदगी भी खराब करोगे। मैं तो खुद शादी करके पछता रहा हूँ। ना मेरी शादी होनी, ना तुहाडे दोनों पागलाना मैं जिंदगी गुजारदा। बाबा साईं, मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तो अपनी इज्जत तो संभाल ले, मेरा दफा बाद में करी। तो बताओ, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम शादी करोगे? नहीं बाबा साईं, मैं बस निकाह करूंगा। हाय रब्बा, तुम्हें पालने से अच्छा था मैं कुत्ते को पाल लेता। कम से कम मेरी बात तो मानता। तुम्हें याद नहीं है, तुम जिसको भाभी भाभी कहते हो तुम्हारे निकाह में है। रहने दे, खुद ही समझ आ जाएगी इसे। जब इसकी दो दो बीवियां होंगी ना, तो 10 पता देंगी इसे। प्लीज मान जाए ना बाबा साईं, आपने पहले भी मेरी फरा के साथ शादी नहीं होने दी थी। फरा, वो मोटी? बाबा साईं, फरा को मोटी मत बोले। वो जैसी भी थी मुझे बहुत प्यारी थी। हालांकि मुझे पता है वो मेरे पैसे खाकर भाग गई थी, लेकिन वो फिर भी मुझे प्यारी थी। लेकिन मेरा यकीन माने, दो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मान जाए ना बाबा साहब प्लीज। बेटा, अपने निकाह का खाना जरूर भेजना। पता नहीं मुझे भी मिलना है कि नहीं। जब खाना है थोड़ा सा मुझे भी देना है। हाँ भाई, कहाँ रह गया तुम्हारा दूल्हा? हमने तो सुना था शादियों पे सिर्फ लड़कियां भागती हैं। आज तो लगता है तुम्हारा लड़का भी भाग गया। तुम जैसी लड़कियों की ना शादी नहीं होती, सिर्फ सालगिरह होती है। मुझे देखो, मैं इतनी प्यारी हूँ माशाल्लाह, मेरी आज तक शादी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? दुआ में तेरी नाटकी नाटकी ओ नाटकी। तुम्हारा निकाह है, थोड़ा सही तरह तैयार हो जाती। कजिन अभी साहब, आपने आने में इतनी देर कर दी, मेरा सारा मेकअप बोस गया। दुआ, तुम मेकअप करके भी बुरी लगती हो, और मेरा मतलब प्यारी लगती हो। शुरू करें? जी करें। दुआ बिनते असलम, आपका निकाह नौशेरवा गजनवी उर्फ गमा नाटकी वाले के साथ बमा हक महर एक नाटकी वाली रेडी किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। गजनवी उर्फ गामा नाटकी वाले आपका निकाह दुआ बिनते असलम के साथ बमा हक महर एक नाटकी वाली रेडी किया जाता है, क्या आपको कबूल है? एक मिनट, मैं खाली रेडी दूंगा,
साथ नाटकियां नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कबूल है। तेरी शादी हो खुदा करे, जल्दी होता के बचताए। मौलवी साहब मुझे साइन करने नहीं आते। तो अंगूठा लगा लो। लेकिन इंक तो है नहीं। वो अपने थोक नाल ही लाला इंज करके। उसे देख कर तू थूक दे। चलो जे मुबारक हो मुबारक हो। वो बस ठीक है। शादी ना करवाना, पहले पैसे कमाना होगा। मैं तेरी नाटकी। क्या हुआ दुआ, तुम खुश नहीं हो? खुश मैं क्यों खुश होंगी? नई दुल्हन को ऐसे पैदल लेके जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बंदा कोई कार ही रेंट पे ले लेता है। दुआ तुम्हें पता ही है मुझे फजूल खर्चे नहीं पसंद, इसलिए तो हमने इतनी सादगी के साथ निकाह किया है, वरना अंबानी तो वड्डी शादी करनी सी मैं। बस करो नशेरवा, लोग क्या समझेंगे कि नई दुल्हन को पैदल लेके जा रहा है। दुआ इसलिए तो हम मेन रोड से नहीं जा रहे, वहाँ पे लोग नोट करते हैं, यहाँ मोहल्ले वाले लोग नोट नहीं करते। मोहल्ले में रहने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर हमें किसी ने देख भी लिया तो वो फूलों से इस्तकबाल करेंगे हमारा। ओए बच्चो ना पत्थर मारो। ओए ओए मारो मारो पत्थर मारो। अरे मारो मारो मेरी दुआ को पत्थर मत मारो। गजनबी शफार मारो, 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 मारो। मेरे सर में पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो। हुआ रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें एक पत्थर नहीं बजने दूंगा, मैं हूं ना। मुझे लगता है मेरे सर में आलू बन गया है। दुआ ये तो अच्छी बात है, अब हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा आलू लेने, दिखाओ कहाँ बना है। ओहो जाहिल, मैंने सर में आलू वाली फसल नहीं उगाई, निशान बन गया पत्थर लगने की वजह से। ओ अच्छा, तुम्हें चाहिए था मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते। दुआ तुम्हें पता ही है मेरे हालात आजकल थोड़े से खराब चल रहे हैं, मैं डॉक्टर की फीस अदा नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी क्यों की थी अगर इतना भी खर्चा नहीं कर सकते? वाह सो जाओ, खुद ही सही हो जाएगा। काका सो जा। अनाटकी योगा में आ।